बहुत स्वागत है आप सभी का पहाड़ प्रभात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए गृह विभाग ने नोडल विभाग बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमन सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी गृह विभाग को दी है। अब गृह विभाग की समान नागरिक संहिता को लेकर बनाए जाने वाले कानून का प्रारूप तैयार करेगा। और विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद उनकी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में कॉमन सिविल कोड के लिए समिति का गठन किया गया था। अब नोडल विभाग का भी गठन कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने और इसकी जिम्मेदारी गृह विभाग को सौंपी गई है। बड़ी खबर आपके सामने है, समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए गृह विभाग ने नोडल विभाग बना दिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमन सिविल कोड को किस तरीके से सर्वोपरि रखा वो भी आप समझ लीजिए। इसी पर पंकज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, आप पूरी जानकारी दीजिएगा, किस तरीके से नोडल विभाग का गठन किया गया और किस तरीके से नोडल विभाग आगे बढ़ेगा, काम होगा, विस्तार से जानकारी। बिल्कुल दीपा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर घोषणा की थी और उसके बाद जब सरकार उत्तराखंड में भाजपा की बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में ही इसमें निर्णय लिया गया और एक समिति का गठन किया गया है और समिति उस पर एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। लेकिन एक अगर शासन स्तर की बात की जाए तो शासन स्तर पर गृह विभाग को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है जो कॉमन सिविल कोड पर एक प्रारूप तैयार करेगा और उसका प्रारूप एक फिर सरकार को सौंपा जाएगा। यानी कि कमेटी अलग एक काम करेगी और फिर गृह विभाग इसमें अलग काम करने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं, जिस मंच पे भी जाते हैं, वो लगातार इस बात को कहते हैं कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड जल्दी ही लागू किया जाएगा। उसके लिए एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उसी दिशा में एक ही हम कमेटी के बाद दूसरा हम कदम कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर जिस तरह से कमेटी का गठन किया था हाई पावर और हाई पावर पावर कमेटी अपने स्तर से उस पर काम कर रही है, किस तरह से उसका आगे अमली अमला फैलाना है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाना है। लेकिन यहाँ अगर हम शासन स्तर की बात करें तो अधिकारियों स्तर पर भी एक गृह विभाग को नोडल इसमें विभाग बना दिया गया है। नोडल विभाग के तौर पर गृह विभाग इसमें काम करेगा और एक जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जो पूरा एक नोडल विभाग होता है, जो पूरा उसमें काम करने वाला विभाग होगा, तो वो गृह विभाग उसमें करेगा। और कॉमन सिविल कोड को लेकर जो भी नई जानकारियां होंगी, नए तथ्य होंगे, दूसरे राज्यों से किस तरह से उसमें भिन्नता लाई जानी है, किस तरह से उसमें तमाम चीज़ों को रखा जाना है, तो वो सभी चीज़ें इसमें गृह विभाग तैयार करेगा और जल्दी इसका एक प्रारूप बनाकर सरकार को सौंपा जाएगा। कमेटी और सरकार के माध्यम से बनकर दोनों भी इसमें काम करेंगे और जल्द ही उत्तराखंड में माना जा रहा है कॉमन सिविल कोड लागू किया जा सकता है। जी बिल्कुल, रहिए पंकज हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आऊंगी। बड़ी खबर एक ये भी है कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे, ये बड़ी जानकारी है। शाम को 4 बजे अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और पहले शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम था, यानी कि कल ही उनके दिल्ली पहुंचने की चर्चाएं थी, लेकिन कल उनके जाने का जो कार्यक्रम वो टल गया। उसके बाद आज ये खबर है कि सुबह 11 बजे वो निकलेंगे दिल्ली के लिए और फिर 1:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। खबर ये कि करीब देखिए दोपहर 1:30 बजे वो पहुंचेंगे दिल्ली और शाम को नई दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या पर्व में शामिल होने के अलावा सीएम धामी भाजपा अलकमान से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी भी चर्चा है कि अलकमान से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। दरअसल सीएम धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर इस बात पर भी चर्चा होगी कि वो उपचुनाव उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट से लड़ेंगे और उत्तराखंड में भाजपा अध्यक्ष समेत संगठन में बदलाव भी किया जा सकता है, ऐसी भी चर्चाएं तमाम चल रही हैं और ऐसे में इसे लेकर भी सीएम धामी की भाजपा लखमान के साथ चर्चा हो सकती है। और चलिए इसी पर पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी का, वहां पर तमाम कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे, अयोध्या पर्व में भी शामिल होना है, इसके अलावा हाईकमान से भी उनकी मुलाकात हो सकती है कहा जा रहा है। जी मैं बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन यहाँ अगर हम दूसरे स्तर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना चुनाव लड़ना है और चुनाव किस सीट से लड़ना है ये अभी तय नहीं हो पाया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि जब मुख्यमंत्री अपनी सीट का ऐलान करेंगे वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी दिशा में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हालांकि ये दिल्ली दौरा एक अलग निजी कार्यक्रम में जाने का है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में कुछ नेताओं से
मुलाकात के संबंध करने के साथ साथ ही वो उठ पर चर्चा कर सकते हैं कि उनका चुनाव कहाँ से लड़ाया जाना है। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तराखंड में संगठन में बदलाव को लेकर भी सुगुहाट चल रही है, और उसके साथ साथ ही दायित्वों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि संगठन ने जिस तरह से सरकार बनाने के लिए उत्तराखंड में काम किया था, तो वो किस तरह से सरकार में जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने समर्पित होकर संगठन के लिए काम किया है, तो किन लोगों को दायित्व दिया जा सकता है, तमाम चीज़ों पर चर्चा संभव भी है। लेकिन अगर हम दूसरे स्तर से देखें तो संगठन स्तर पर भी इसकी कवायद तेज हो गई है। जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो देहरादून पहुंच चुके हैं और आज दो से तीन बैठकों में आज शिरकत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बैठक ये होने वाली है उसमें कि जो भाजपा ने 23 हारी हुई सीटों की समीक्षा की थी, उसकी रिपोर्ट पर पूरी आगे की रणनीति उस पर तैयार की जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट में कई ऐसे नाम उसमें हुए हैं कि जिन्होंने पार्टी के साथ चुनावों में भीतरघात किया था, तो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई को लेकर पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा संगठन में आज की बड़ी खबरें हैं, और प्रदेश प्रभारी नेताओं से बातचीत करेंगे, संगठन के नेताओं से बातचीत कर वो ये भी उसमें तय करेंगे कि जो 23 सीटें हारी थी उन 23 सीटों पर किन लोगों ने भीतरघात किया था, उन पर कार्रवाई को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही देहरादून में दुष्यंत गौतम है प्रदेश प्रभारी, वो पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे, और उसमें संगठन स्तर पर बदलाव को लेकर भी जो चर्चाएँ सुगभाट हो रही है उस पर भी चर्चा हो सकती है। और संभवतः माना जा रहा है कि जो दायित्वों को लेकर एक नई संगठन में संगठन को लेकर चर्चाएं हैं कि दायित्व किन किन लोगों को दिया जाना है, किन लोगों ने बेहतर काम किया था चुनावों को दे रहे हैं, तो दायित्व अलग अलग मसलों पर होनी है। तो दूसरी तरफ दुष्यंत गौतम को लेकर भी जानकारी आप ये दे रहे हैं कि देहरादून में वो बड़ी बैठक कर सकते हैं और संगठन स्तर पर जो तमाम बदलाव होने हैं उनको लेकर, बदलावों को लेकर ये बैठक बहुत अहम होगी। और दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी किस किस से मिलते हैं इस पर भी लगातार नजर है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की प्रेस वार्ता आज होनी है, 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। स्वास्थ्य निदेशालय में ही प्रेस वार्ता वो करेंगे और आयुष्मान भारत योजना की चौथी वर्षगांठ को लेकर ये प्रेस वार्ता उनकी होनी है। डीजे हेल्थ और अन्य जो स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इस प्रेस वार्ता का हिस्सा बनेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी है, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इसे करेंगे, 11:30 बजे का वक्त है, स्वास्थ्य निदेशालय में ही ये प्रेस वार्ता होगी। उत्तराखंड की और भी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपको काशी विश्वनाथ लिए चलते हैं। वहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तस्वीरें आ रही हैं पूजा अर्चना करते हुए। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इससे पहले कल उनकी मौजूदगी अयोध्या में थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और आज की तस्वीरें काशी विश्वनाथ की हैं, जहाँ पर किस तरीके से पूजा अर्चना वो मंत्रोच्चारण के बीच में कर रहे हैं उसी की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। 3 दिवसीय उनके दौरे का आज तीसरा दिन है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर दिखाई दे रही हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पत्नी भी उनके साथ में मौजूद, और ये काशी की तस्वीर, काशी विश्वनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ में पूजा करते हुए, आरती करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। इससे पहले कल अयोध्या में उनकी मौजूदगी थी, वहां पर रामलीला हनुमानगढ़ी के दर्शन, उनका आशीर्वाद वहां पर लिया। उसके बाद अभी आज की तस्वीर है, काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने परिवार के साथ और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। वहां पर मुख्य सचिव एसएस संधू का मुनस्यारी दौरा, पिथौरागढ़ मुख्यालय पहुंचेंगे मुख्य सचिव एसएस संधू और मुनस्यारी और पिथौरागढ़ में विकास कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे। मुख्य सचिव एसएस संधू को लेकर ये अहम जानकारी है कि मुनस्यारी वो पहुंचने वाले हैं, पिथौरागढ़ मुख्यालय पहुंचेंगे मुख्य सचिव एसएस संधू, उसके बाद मुनस्यारी और पिथौरागढ़ में विकास कार्य किस तरीके से चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ भी उनके मीटिंग की खबरें आ रही हैं, अधिकारियों के साथ भी बैठक वो करेंगे और फीडबैक लेंगे किस तरीके से तमाम जो विकास के प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं, वो मुनस्यारी में हो या फिर पिथौरागढ़ में हो, उनको किस तरीके से गति दी जा रही है, अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं और जो टारगेट रखा गया है उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का, उस टारगेट के मुताबिक अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, इसके बारे में भी मुख्य सचिव जो है वो जानकारी लेंगे। उनका ये दौरा बहुत अहम है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी भी वो जाने वाले हैं और खबर ये कि वहां पर जाकर के तमाम जो कार्य चल रहे हैं उसी के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अलग अलग हिस्सों में जाएंगे वहां पर और अधिकारी जो लगातार वहां पर डटे हुए हैं, जो विकास कार्यों में लगे हुए हैं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे भी जानकारी इकट्ठा करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक दूल्हे की बुरी तरह से पिटाई हुई है। बताया जा रहा है कि युवक की शादी करीब एक साल पहले मथुरा की युवती से हो चुकी थी, लेकिन युवक गदरपुर की युवती से एक और शादी करने जा रहा था। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, मगर युवती के परिवार वालों को इस बात की भनक लग गई और वो भी मौके पर वहां पर आ पहुंचे। फिर दूल्हे की जमकर धुनाई वहां पर की गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे को थाने लेकर पुलिस पहुंची। लगाए थे हमने एक महीने पहले से लग रहे हैं और इसके हरकतों को देख के हमें पता चला कि ये इस तरीके से ड्रामा हो रहे हैं, तो जासूस लगाए थे उनकी खबर से हमें पता चला कि ये यहाँ शादी कर रहा है, तो हम रात के चले हुए, अब सुबह तक पहुँचे हैं। फिर हमने पता किया है शादी दहेज मांगता है, 5-6 लाख रुपए की डिमांड करता है और गाड़ी फोर व्हीलर 4 लाख रुपए मांगता था, कभी गाड़ी मांगता था। उसके बाद में 10 दिन के बाद में डिमांड स्टार्ट होगी सर इसकी। उसके बाद में सर ये अभी तक लेवाने नहीं आया, 2 बार जा चुकी लड़की से घर पे, उसको 3 बार लेवाने नहीं आया। उसके बाद सर हमको इसकी हरकत ही मालूम पड़ी, उसके बाद हमने जासूस लगाया इसी गांव में और जासूस लगाने के बाद में सर हमको पता चला कि शादी कर रहा है आज। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन यात्रा के पहले ही होटल GMVN गेस्ट हाउस और टैक्सी की बुकिंग फुल हो चुकी है। साफ ये है कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीदें हैं। दावा ये किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वालों की तादाद करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की वजह से प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ का आंकड़ा पार कर जाती है तो लोगों को सुविधा मुहैया कराने में प्रशासन को कड़ी चुनौती का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। और जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने को है और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं। केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बर्फबारी की वजह से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, जो तैयारियां वहां पर चल रही हैं यात्रा को लेकर। ये कहा जा रहा है कि बर्फबारी उसमें खलल डाल रही है। पिछले कई दिनों से मौसम यहाँ पर बदला हुआ है, मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला हुआ है और धाम के आसपास लगातार बर्फबारी भी हो रही है। इस वजह से तैयारियां वहां पर प्रभावित हो रही हैं। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। अब आपको एक अहम जानकारी देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, मगर माननीय विधायकों के ठाट में कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड बनने से लेकर अब तक विधायकों के सरकारी खर्च पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य करीब 70,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मगर नेताओं की ठाट बाट में कोई कमी नहीं है। राज्य गठन से लेकर अब तक के 21 साल में विधायकों के वेतन भत्तों पर करीब 96.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान विधायकों को 13.45 करोड़ रुपए वेतन का भुगतान भी किया गया, जबकि करीब 83 करोड़ रुपए भत्तों के रूप में पेमेंट किया गया। इसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, चालक भत्ता, सचिव भत्ता और मकान का किराया शामिल है। ये सब जानकारी सूचना अधिकार के तहत मांगी गई है। जब इसका विश्लेषण किया गया तो पता ये चला कि 96 करोड़ 42 लाख रुपए जो है 42,39,105 रुपए खर्च हो चुके हैं 21 वर्षों में, नवंबर 2021 तक वेतन और भत्तों में, केवल वेतन और भत्तों में। और इसमें 13,43,45,875 रुपए का वेतन का भुगतान किया गया माननीय विधायकों को और 82 करोड़ रुपए, जबकि जो है वेतन से भी कई गुना ज़्यादा है, 82,98,93,230 रुपए के भत्तों का भुगतान। अब सवाल उठ रहा है कि जो प्रदेश पहले ही कर्ज में डूबा हो उसके नेता इस तरह से सरकारी पैसों के दम पर ऐश कर रहे हैं। ये एक ऐसा राज्य है जिसपे दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। बैंक का जो ऋण है, ऋण के ऊपर जो ब्याज है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा बजट आता है तो हम उसमें एक नज़र मार के देखते हैं, एक सार ये नज़र आता है कि तकरीबन हमारे पास टोटल बजट में जो है 60% के आसपास ही पैसा बचता है जो हम डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। 40% पैसा जो है वो वेतन पे, वेतन भत्तों पे या पेंशन पे या और जो दूसरे हमारे सरकारी खर्चे हैं उसमें चला जाता है। ये हाल तब है जब उत्तराखंड पर 72,000 करोड़ रुपए का
कर्ज है। अगर हालात यही रहे तो अगले 3 साल में उत्तराखंड पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा।